तो दोस्तों कहा जाता है कि भगवान शिव जब देवी सती के मृत्यु के बाद उनके शरीर को कैलाश पर्वत ले जा रहे थे, तो देवी सती की जो एक आँख थी इसी मंदिर में इसी झील में गिरी थी, इसीलिए इस झील का नाम नैना झील कहा जाता है। और उत्तरी पूर्व दिशा की तरफ इसका एक मंदिर बना है नैना देवी मंदिर के नाम से, जो कि 1880 में भूलखन के कारण ये मंदिर जो है नष्ट हो गया था, पुनः इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो हम इसका पूरा दर्शन करें। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सुनीता। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं नैनीताल में और ये है नैनी जी। तो शाम के 3 बज गए हैं और हम लोग गए थे कैसी धाम, वहाँ से दर्शन होकर के आ गए हैं और अब हम लोग नैनीताल में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए रूम लिए थे सब लोग फ्रेशनप होने के लिए। 1 से 2 घंटे में आपको यहाँ पे रूम मिल, ये है यहाँ का व्यू, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हमारी टोटल पूरी टीम है, ये हैं सर्वेश भैया, ये हैं अंकुर भैया, ये हैं शिशुपाल भैया, वो है अभिषेक, और ये है दीदी, और ये हमारा रूम है, और ये है दीदी, इधर देखिए आप, ये है दीदी जो सबसे सीनियर सिटीजन में स्टाफ है, और यहाँ पे सब फोटो, सबसे सारा होटल की सीढ़ियाँ यहाँ पर हम लोग सेकंड फ्लोर पर लिए हैं। और ये है होटल, होटल का क्या नाम है भैया, होटल का नाम क्या है, अभिवृत्ति नाम है होटल का, जस्ट नदी के सामने ही आपको पड़ जाएगा। और यहाँ पे बाइक का भी आपको मिल जाएगा, इसके अलग अलग चार्जेस हैं भैया। यहाँ अगर आप जैसे यहाँ पे 2 जन आ रहे हो घूमने के लिए, आपको बाइक लेना है तो वहाँ पे आपको बाइक भी मिल जाएगी और रेंट पे, और ये आपको शाम को बाइक जो है रिटर्न करनी होती है, और जैसे कि 600, 700, 800, 500 अलग अलग बाइक, जैसे कोई अपाची ले रहा है या फिर कोई बुलेट ले रहा है या फिर कोई BMW ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं और एक बार ये आप व्यू देख लीजिए, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ओवरऑल। मेरी ले लो तो नैनीताल बहुत ही खूबसूरत जगह है और देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब हम लोग निकलते हैं, सब लोग फ्रेश हो गए हैं और निकलेंगे फिर कहीं खाया पिया जाएगा कुछ। तो दोस्तों इन लोगों को फोटो खिंचाते खिंचाते इतना टाइम लग रहा है कि क्या बताएं, और फोटो भी अच्छी नहीं आ रही है, देख लो। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल झील। तिब्बत तक का बॉर्डर, इसका आगे नैनी व्यू पॉइंट्स, ये आपका सुगाताल ट्राई लेक आएगा, वारापत्थर रेपलिंग वाली जगह, लवर्स पॉइंट्स, सुसाइड पॉइंट्स, और जहाँ ये केबल कार ले जाता है इस मार्ग पर जाएगा, ये पॉइंट भी कार से कवर होगा, ये सिर्फ डैम बन गया, इसका आगे 6 पॉइंट हो रहा है, ये पूरा नैनीताल कवर होगा। नहीं हम लोग 12 लोग हैं ना टोटल, तो 2 गाड़ियाँ देंगे तो नहीं। तो दोस्तों अगर हम नैनीताल में पर्सनल अपनी खुद की गाड़ी से नहीं आए हैं तो यहाँ पर आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी लेने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 16 लोग आए हैं तो पर पर्सन यहाँ पे बोल रहे 300, लेकिन अभी देखते हैं फाइनली हमारा कितने में बुक होता है। चालू इसे करना है ना, ये चालू है, दीदी रख दो ना इतने भारी भारी बैग कहाँ लेके। तो दोस्तों ये है यहाँ पे होती है बोटिंग, तो चलते हैं पूछते हैं कितने रुपए में है और कितने से क्या स्टार्ट है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बोटिंग का पता करने, चाय पी लेते हैं।
फिर करते हैं वोटिंग। हाँ भैया वोटिंग का क्या है चार्जेस? वोटिंग का 320 रुपए। 320 रुपए जा रहे हो वोटिंग में? हाँ वोटिंग में तो जा रहे हैं। ना ना हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर आएंगे रिटर्न। फास्ट भी तुम वहीं उतारेंगे ना नैना देवी मंदिर पे? वही उतारेंगे भी आओ। अच्छा कितने में? 300? 320 में कुछ? 320 में तीन जन? 320 में तीन जन? अच्छा यही वाली वोट है? देख लो सर वही उतार देंगे। पिछले महीने में तो शायद कम था, 250 रुपए थे। 2013 से बढ़ा है रेट, 7 दिन हो रखे। अच्छा महीने कमी होगा मैंने। हाँ वही तो पिछले महीने कम था। तभी से आ रहे हैं इसमें। ऐसा अगर फुल राउंड करोगे तो 30-35 मिनट लगता है। 35 मिनट तो फुल ही राउंड करेंगे। हाँ जैसा आप कहोगे। फुल का 420 है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे 3 वोटिंग का भी था, 4 वोटिंग का था। अगर आप खुद से चलाना चाहते हो तो 4 जन वहाँ पे बैठना ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे राइडर कर लिए हैं क्योंकि खुद से नहीं चला पाएंगे, इतनी बड़ी नदी है तो इसीलिए। तो दोस्तों बोट का बता देते हैं, यहाँ से लेकर के अगर ये पूरा घुमाते हैं तो 420 रुपये लेते हैं, और यहाँ से लेकर के अगर वहाँ तक वो घुमाते हैं, आप जो देख रहे हो येलो कलर का, तो 320 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोटिंग के दो चार्जेस है, अगर वहाँ से लेकर वहाँ तक घुमाते हैं तो उसकी है 320 रुपये, और अगर पूरा राउंड करते हैं तो 420 रुपये। 420 रुपये में भी 3 जन बैठेंगे और 320 रुपये में भी 3 जन बैठेंगे। तो अब हम लोग बोटिंग स्टार्ट करते हैं, तो चल रहे हैं बना दो। तीन मिनट वाली कर दो ना अपने। रुक जाओ बोटिंग का वो तो ले लो, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक में चार्ज। हाँ हाँ उसको मोबाइल ले लो। चल 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 आराम से। हाँ उस पे अभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों हम लोग बोट ले लिए हैं, अब हम लोग बोटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम लोग 420 वाला लिए हैं जो कि फुल राउंड करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये पूजा है, वो दीदी बैठी हुई हैं, और वो हमारे बोटिंग वाले भैया। तो यहाँ पे भैया सब हम लोग को बताते जाएंगे। हाँ सब बताइएगा नैना देवी मंदिर कहाँ है सब कुछ। ठीक है आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रबीब, और हम लोग माल रोड से बैठे हुए हैं, और ये हमारे राइडर है और वो हमारे दोस्त जन है। हाय आ जाओ सभी लोग, धीरे धीरे चलिएगा भैया, सभी साथ में ही जाएंगे। ना साथ में ही चलो। बहुत मजा आ रहा है बोटिंग करने में, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और चलते हैं। आधे घंटे में ये पूरा बोटिंग करा देंगे, और कुछ लोग उधर गए हैं, कुछ नैना देवी मंदिर छोड़ेंगे, और ये भैया जो हैं हम लोगों को नैना देवी मंदिर छोड़ेंगे। नैना देवी मंदिर हुआ है ना भैया? वो है नैना देवी मंदिर, वो लास्ट में है, वहाँ पर हम माता रानी का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी आते हो तो वोटिंग जरूर करिए, प्राइस भी सही है, 420 रुपए में हमें पूरा ये घुमा रहे हैं, और हम 3 जन हैं तो हमारे 1 जन पे 140 रुपए फी पड़े हैं। तो फिर
देखो बोर्ड दिखा है, बोर्ड बोर्ड हाँ बोर्ड दिखा है, ये देखो बोर्ड। पिछली बार खुद से ही लोग वोटिंग किए थे, इस बार हम लोग राइडर ले लिए हैं। खुद से वोटिंग करने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो भी ज्यादा है। और वैसे जैसे हम लोग पानी वगैरह में जाते हैं तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो झील है ना, मेरी झील तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें बत्तख दिखा है और बहुत बड़ा फिश पकड़ी है, तो इस पे फिश भी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आप भी आइएगा, घूमिएगा और नैना देवी मंदिर का दर्शन करिएगा। अंकल यहाँ पे घूमने के लिए और कौन कौन सी हैं? हाँ माल रोड है। सुसाइडल सीन घूम सकते हैं आप। अच्छा तो हमें अपनी गाड़ी ही करनी पड़ेगी ना? गाड़ी गाड़ी पड़नी पड़ेगी यहाँ पे, ये ऑटो रिक्शा ही रिक्शा नहीं चलेगा यहाँ पर, अपनी गाड़ी ही। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पीला डब्बा है, यहाँ पे पीले डब्बे से ये टर्न हो जाएंगे। औसम देखिए कितना अच्छा है, यहाँ से हम पहले सोच रहे थे यहाँ तक ले जाएंगे फुल का, पानी का बहाव है, लेकिन उधर पानी का बहाव है तो गेट बने हैं, पानी नीचे जाता रहता है, तो वो तो जा रहे हैं जो चला इधर कोने में जाएंगे। अच्छा यहाँ की बोर्ड है ना, आठ स्टेशन है, आठ स्टेशन है इस बोट में, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कैसे क्या है, कहाँ से कितना घुमाते हैं। ये स्टार्टिंग में ही ये बता देते हैं कि हम आपको क्या घुमाएंगे और कहाँ घुमाएंगे। हमारे दोस्त लोग वहाँ हैं तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये देख लीजिए। तो ये हाथ से ही वोटिंग करते हैं। ये आप कितने साल से कर रहे हैं? हम लोग सबसे बाद में बैठे, सबसे पीछे वो सबसे पहले बैठे। अच्छा। देखो अभी वहीं पे हैं, हम लोग को बहुत तेज चल रहा है, बहुत नहीं चलना है, वो रुक गए थे वहाँ। हाँ थोड़ी धीरे धीरे ही धीरे। दोस्तों हमारे साथ ही लोग पीछे आ रहे हैं, सब हुआ कर रहे हैं, इधर आ जाओ जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे हेलो, बढ़िया है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी साथी जन आ गए हैं, इधर देखो मीनू दीदी, फोटो मार दे यार, फोटो फोटो मार दे, फोटो नहीं वीडियो बन रही है, वीडियो बनाने के बाद ठीक। ये हनुमान मंदिर, भाई ये लोग पीछे रह गए हैं, कहाँ पे फोटो ले ले, हनुमान मंदिर और पाषाण देवी मंदिर। आइए हनुमान देवी मंदिर और पाषाण देवी मंदिर, जो कि हमें हमारे राइडर बताए हुए हैं, और यहाँ पे भी हम लोग पैदल दर्शन कर सकते हैं ना उधर से। ये ठंडी सड़क है कोल्ड रोड। अच्छा ये ठंडी सड़क है कोल्ड रोड बता रहे हैं, और हम लोग जब नीचे उतर जाएंगे तो कोशिश करेंगे यहाँ पे भी दर्शन करें। कि आप देख लीजिए, हाय हेलो तो बोल दो, हाय करो, हाय हेलो, आ जाओ भैया आप भी ले लिए हैं, वही तो बोल रहे हैं। वाह कितनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों वो है नैना देवी मंदिर, हम लोग पहुंचने वाले हैं। नैना देवी मंदिर है? हाँ वो है, देखिए वो है नैना देवी मंदिर, वो है नैना देवी मंदिर, वहीं पे हम लोगों को उतारेंगे ना। जी हाँ। और हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये जो अंकल कह रहे थे को आधा हुआ है, अच्छा अभी आधा हुआ है, आधा ही बाकी है। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आधे से ज़्यादा आ गए हैं, और नैना देवी मंदिर वो सामने दिख रहा है, और पर अभी दूर है वो। हाँ पर अभी दूर है, वही है दूर है। और अंकल कह रहे थे कि व्यू के लिए वो बता देंगे कहाँ से क्या फ़ोटो लेनी है, वो ले लेंगे, क्योंकि हमें थंबनेल लगाने के लिए कोई अच्छा लोकेशन चाहिए। मिस्टर फोटो खींच दो, हमारी फ़ोटो नहीं खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं, हाय हेलो बोल दो। तो ये सब हमारे नालायक दोस्तों हैं। तो देखो खींच रहे, और कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं, हाँ हाँ अरे मजा मजा ये लगता है।
हाँ देखो देख रहे हैं अपने यहाँ देखो अब क्या हुआ अंदर से तिरंगे हरी है अरे फोन हटाओ तुम तो दोस्तों हमारी मंजिल हमारे सामने है अब थोड़ी देर और है बस पहुंचने वाले हैं सारे लोग सभी लोग यहाँ आ गए पास में वो रोड बनी कह नहीं रहे ठंडी रोड है ये कोल्ड रोड ये जो रोड है ना कोल्ड रोड है और वहाँ पे मैं आपको जो बता रहे थे मंदिर में वहाँ दर्शन के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है थोड़ी सी चढ़ाई है कोशिश करेंगे हम लोग जाने के लिए है ना ये वो जो आप बता रहे थे मंदिर थोड़ी सी चढ़ाई है ना चढ़ाई नहीं है अच्छा तो चढ़ाई नहीं है मैदान है लोग जा रहे हैं पैदल और मंदिर में पहुंच गए हैं और वो है हमारे यहाँ देवी मंदिर और अब हमारी यहाँ की बोटिंग समाप्त होती है तो अगर आप आते हो बोटिंग चलो यहाँ पे सारी मार्केट है तिब्बती मार्केट नैनीताल का लोकल मार्केट है ये हमारा मंदिर है नैना देवी मंदिर और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी आप फोटो खींचने के लिए थोड़े से आए यार आ गए तो मजा आया मजा आया मजा आया बहुत मजा आया हाय दीदी आ जाओ तो दोस्तों नैनी झील की वीडियो की एंडिंग यही हो रही है अब हम लोग जा रहे हैं नैना झील की वीडियो यही एंडिंग हो रही है नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।